हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, ये जब अपन आश्रम बनाते हैं पूजा वगैरह के लिए, ये गुड़ और आटा, उसी में एक चम्मच रिफाइंड ऑयल छोटी चम्मच से, तो ये है। और बाकी ये आटा, नॉर्मल आटा और बेसन और नमक और अजवाइन और थोड़ी सा पानी, मतलब जितना उसमें चाहिए हो। तो ये बहुत, देखिए, गीला नहीं गूंदना है, थोड़ा जैसे पूड़ियों का गूंदते हैं ये भी वैसे ही। और ये बेसन है, तो ये पूजा का प्रसाद बना रहे हैं। तो हम का जब इतनी सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये तो पारंपरिक रेसिपी है। तो हम का पहले पूजा का बना रहे, बाद में किचन का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये शुरू करते हैं फ्रेंड बनाना। ये है, तो जैसे इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से देखिए, ये थोड़ा कड़ाई मारते हैं क्योंकि अभी काटेंगे ना इसके स्क्वायर शेप के खुर में। तो ये 10-12 मिनट के पहले मार दिया था, रखा था। तो अब ये त्योहार है जो संक्रांति वाला, इसमें गुड़ के, तिल के ये सब पकवान बनते हैं फ्रेंड। ये जो है आटा, बेसन और अजवाइन, तो इसका नमकीन टेस्ट आएगा। तो इसको बेल के अपने स्क्वायर शेप में काट लेंगे। कोई भी चीज पूजा की बनाना हो तो थोड़ा टेंशन सा होता, क्योंकि वो उसमें कुछ टच नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये अलग आटा होता है पूजा का, रिफाइंड ऑयल भी अलग, वही चकला बेलन है। तो सबसे पहले पूजा का बना लेंगे, फिर उसी में रोटियां बन जाएंगी। तो पूजा का जो भी बनाते हैं सामान, तो वो पहले बना के अलग ढक के रख दिया, बाकी फिर स्टार्ट किया, क्योंकि वो सकरे हाथ हो जाते हैं ना, जैसे कुछ और बनाए तो वो फिर पूजा का छुपने ना पाए, वो टच ना हो, अलग रख दिया बना के। अभी तिल के लड्डू बनाए थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर किए थे पूजा का, तो हमारा मन नहीं वाला। पहले हमने सोचा ये चीजें ना दिखाएं, फिर हमने सोचा कि नहीं, पारंपरिक रेसिपी है और थोड़ा बहुत थोड़ा ही पूजा का फ्रेंड बनाना है, बाकी फिर इकट्ठा बनाते रहेंगे। तो फिर रोटियां बनाने के बाद, क्योंकि जब भी कुछ भी त्योहार हो तो पूजा का अलग रखना होता है, आटा, रिफाइंड, चकला, बेलन। अभी देखिए बहुत पतला भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है, तो इसका हाथ शेप की इसके काट लेंगे। ये खुरमा, नमकीन खुरमा कहते हैं घरों में, अदराना खुरमा भी कहते हैं इसको। तो यही बनाते हैं संक्रांति में हर बार। और भी कई चीजें बनानी हो जिसको, तो थोड़ा थोड़ा सा पूजा का बना ले, फिर किचन का दाल चावल रोटी वाला स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं, मतलब ठीक ठीक, बहुत छोटे ना होने पाए, स्क्वायर शेप में ही करना है। अब ये बना के एक प्लेट में अलग पूजा के पास रख के ढक के रख देंगे, तो फिर प्रसाद लगाया जाएगा इनका। तिल के लड्डू हो ही गए हैं, इसमें रखते हैं सब। तो ये नमकीन वाले और जो मीठा गुड़ है उसके मीठे वाले बनेंगे। तो अब गैस को करते हैं थोड़ा तेज, अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे था, ये बेल रहा था।
जिसकी छोटी छोटी पांच अठवाई जैसी बनाते हैं तो वो रख देंगे, कहते हैं पूछ में यह अलग रख रहे हैं, अभी बनाएंगे छोटी छोटी सी अठवाई और फिर खाई नहीं जाती, बाहर रख देंगे चिड़िया खा जाएंगी, छत वत में रख दो तो वो सब खा जाते हैं पक्षी। ये अलग है पांच लोग इसके, अभी बेल रहे हैं अपने हिसाब से, अब लो मीडियम करो, ये मीडियम फ्लेम पे शेक में पहले तो फ्राई करेंगे, लेकिन फिर क्योंकि बाहर से सिक जाएंगी अंदर कच्चे रहेंगी, थोड़ा मोटे मोटे बनते ना ये। तो हर पूजा का जो भी बनाना है पकवान तो नहा के, सबसे पहले तो गैस रात में बंद करके डाल देते था, फिर नहा के ये अलग बना के रख दिया, तभी फिर किचन में शुरू किए काम, तो वो सब टच होता रहता है। अब इसी चकले में लगने रोटी हम बना ले कुछ भी बनाते रहो, लेकिन रोटी बनाने के बाद यूज नहीं इसको, फिर दोष मानते कहते शकरा हो गया रोटियां बना ली, ऐसी ये कड़ाही है ऐसी कड़ाही में सब्जी बना लेंगे, ये सब बन जाएगा पूजा का। तो ऐसे स्क्वायर शेप में ही काटना है इनको भी, देखते हैं एक डालेंगे पहले गरम हो गया होगा तो फिर और सारे डाल देंगे। हाँ हो गया गरम, तो पहले थोड़ा सा डाल के देखना है, जब गरम हो जाता है तो सारा, अब ये मीडियम फ्लेम पे करते हैं गैस, ये डालते हैं झरिया से है ना, अपने ऐसे ऐसे करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, अभी सब लग रहे चिपकी चिपकी से, सब अलग हो जाएंगे और किनारे से ही डालना है बिल्कुल। अब ये मीडियम फ्लेम है, बल्कि लो ही करे दे रहे, लो में तो नहीं, लो मीडियम के बीच में ही रखे आप, बहुत ज्यादा धीमे में एब्जर्व कर लेंगे, सोख लेंगे ये सब खुरु में। अभी मीठे वाले बनाते हैं ऐसे, देखिए सब अलग अलग हो गए, जो जैसे लग रहे हैं वहां पे ना चिपके, तो ऐसे झरिया से हल्के हल्के से कर दिए, जब वो सिक जाए थोड़ा अर्थ से क्यों है, फिर अलग अलग कर दिए। जैसे इसमें मोइन डालते ना अपन लोग थोड़ा एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, तो किनारे में अगर फटे भी तो अलग कर लीजिए, उतने किनारे निकाल के बीच बीच का अलग पार्ट कर लीजिए, फिर भी लीजिए उनको किनारों को, क्योंकि वो मोइन डालने से थोड़ा फटने लगते हैं और
कम मन डालो तो खाने में अच्छे, क्योंकि प्रसाद लगा के अपन लोग ही खाएंगे अब। इसी तरह मीठे वाले ना वो भी स्क्वायर शेप में ही काटेंगे। ये देखिए मीठे वाले हैं तो ये भी ऐसे स्क्वायर शेप में, अभी और यहाँ से कट करते हैं। लो मीडियम के बीच में ही है अभी ये फ्लेम, क्योंकि अंदर तक सेंकना है अच्छे से। ये देखिए ये इसी साइज के ये है, तब सेकेंगे तो सब अलग हो जाएंगे। थोड़ा तेज करते हैं, जब लगे कि ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं तब थोड़ा हल्का सा तेज करके, लेकिन पहले मीडियम पे करेंगे तो अंदर अंदर सिकते रहेंगे। अब ये हाई करते हैं फिल्म, क्योंकि सिक चुके हैं दोनों साइड से। जैसे ये रिफाइंड ऑयल है, कोई भी पूजा का सामान हो तो ये अलग डिब्बे में रख देना चाहिए। जैसे अपन जो रूटीन वाला बनाते हैं, कभी समोसे कभी कुछ भी बनाया, तो वो वाला ऑयल उसमें यूज ना करें पूजा में, तो जो भी अलग डिब्बे में ये रख लें। और बाकी ये सब होता ही अलग से, सब चकला वगैरह जैसा, तो पूजा का बनाने की
पहले ही बना लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर शुरू हो जाता ना किचन का काम तो शकरा हो जाता गैस, तो घरों में मानते हैं। थोड़ी से ये जितने बस ऐसे थोड़ी से पूजा के लिए शेव बना लेंगे, तिल के लड्डू और चिक्की तो ही बनाते हैं हर बार, उनके सॉफ्ट वाले भी एक दिन बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर की थी, सॉफ्ट वाले भी और वो भी कल जो बनाई थी थोड़ा कड़ी कड़ी सी क्रंची सी होती है। मूंगफली की बना लेते हैं बहुत लोग, तो यही बनाया करते हर बार हूँ। ये भगवान तुलसी दल जरूर इसमें डालते हैं, फिर खिचड़ी छिलके वाली उड़द की दाल की खिचड़ी, निकालते हैं पूजा की कोई भी चीज, अगर जैसे प्रसाद लगाए कोई नहीं खा रहा तो वो छत पे ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के रख दो तो वो चिड़िया खा जाती है, छत में ऐसा पक्षी आते रहते खा जाते हैं, लेकिन पूजा की चीज कभी ना भी अच्छी लगे तो वो हटाना नहीं चाहिए ऐसे, जो एक साइड वो कर दो तुरंत ही भूख लगाया जो खाना हो तो खा लिया। अब ये मीठे वाले हैं ये डालते हैं, जब सेकेंगे अब ये देखिए सब अलग हो गए, अब दिखाते हैं ये देखिए फ्रेंड अच्छे से सेक गए हैं, तो अंदर से कच्चा ना रहने पाए। अब ये देखिए ये जैसे ठंडी हो जाए फिर तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए अंदर भी अच्छे सेक गए हैं, अच्छे सॉफ्ट भी हैं। ये इसी आटे से नमकीन वाली छोटी छोटी शटवाई बनाई थी, तो ये भी इसी में डाले थे सक जाएंगे। अभी हाई पे ही करते हैं गैस, क्योंकि एक बार मेंटेन हो गया ना टेम्परेचर तो वो जल्दी सिकने लगते हैं, ये चीनी वाले सिकने लगे हैं घर में, लेकिन ऐसे ऐसे चलाते रहे हल्के हल्के हाथों से कि आए भी ना ऊपर चकने पाए। सब लोग बनाते ही होंगे सब कुछ बोल, लेकिन कुछ लोग जैसे शुरुआत है
ये लोग हैं निकाल रहे हैं शेव बनाने वाली मशीन में था ना और से क्या इसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं ये जो छोटी छोटी अठवाई बनाई ना फ्रेंड ये पांच बनाई है तो अभी जैसे पूछ चल रहा है तो कहते पूछ में ये एक लकड़ी में बांस की में छेदना पड़ते हैं और फिर उसको ऊपर कहीं हम पैन किचन में रख देते लगा के तो क्या पड़ली हल्दी चावल लगा दिए ये किसी भी दिन पूछ में किसी भी दिन बना ले ये अठाई वगैरह और छेद सकते अठाई बनाई है लेकिन क्या है कि अलग से पूजा का जब सब अलग आटा अलग चकला बिलन अलग सब कुछ हो तो हम क्या अभी ही कर लेते हैं नहीं तो फिर बाद में फिर वही होता है सब मिक्स होने लगता है पूजा का बन जाएगा वहां की फिर सब काम किचन के स्टार्ट हो जाते हैं ये बन गई है मोटा देखो एक लकड़ी जैसे ये होती है ना बांस की डलियां तो इसी की छोटी सी लकड़ी तोड़ लेंगे ऐसी इस डलिया से हम ऐसी तोड़ते रहते जब भी कभी जरूरत पड़ती वो बरगद बनती ना गुड़ के और बेसन के तो अब इसी से निकाल के उसी में लगा लेते फिर अभी शो बनाएंगे
फ्रेंड ये शेव बनाना है तो ये थोड़ा सा ही बेसन है तो मशीन में ही चिपक जाएगा, नहीं तो शेव की जो मशीन है पीतल वाली उसी से ही बनाते हैं हमेशा, तो इसे जरिया से ही बना ले रहे हैं। अब थोड़ी सी है तो मशीन फिर चिपक जाए धोना पड़ेगा तो जरिया में भी अच्छे बन जाते हैं। थोड़ा दूर ही रखी जरिया, थोड़ा गीला सा ही बेसन हो, बेसन भी थोड़ा गीला सा ही। अब जैसे कढ़ाई भर जाए तो फिर बंद कर दें। देखिए ऊपर ही करे रहना जरिया और किनारे से जो हो तो निकाल लिए, बस थोड़ा प्रसाद के लिए बनाना है 8-10 से हो। अब इतना कम नहीं बन पाता मशीन, बनेगा नहीं तो फिर उतना धो मशीन पूरी। आप लोग तो मशीन से बनाइएगा फ्रेंड, और मैं तो प्रैक्टिस है, जब कम चीज चाहिए होती तो उसी से तो मशीन से, नहीं तो झरिया से करते हैं जब बहुत कम बनाना है कोई चीज। ऐसे ऊपर करके झरिया किनारे का जो वो भी इसमें कर लिया, ये तुरंत पानी में गला दे नहीं तो वो सूख जाता है, बेसन बहुत जल्दी सूखता। कोई भी चाशनी वगैरह के जो बर्तन हो मैंने मेड भी करती हूँ तो वो अच्छे से साफ हो जाता है अगर पानी में भर के रख दो। अब हाई फ्लेम पे ही करते हैं गैस, प्यार पड़ेगी इन किचन में रख देते हैं हम तो, या भगवान के पास रख दिया। फिर छत में जाके ऐसे कोई भी चीज अगर प्रसादी हो जैसे ना खाए तो ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसे फैला दो तो चिड़िया सब खा लेती है अच्छे से। ये शेव है ये चलाते रहेंगे, इसमें ठंड अब पूजा करें तो मिर्च नहीं डालना है, सिर्फ हींग और अजवाइन जैसे अपन लोग बेसन का सेंकते हैं वैसे ही
हींगा जो है ना नमक स्वाद के अनुसार नमक इसमें भी और ये जो नमकीन वाले इसमें भी स्वाद के अनुसार नमक पता चला जरा से शेव थे अब आराम से बनाते रहेंगे खाना वाना बनाने के बाद लेकिन पूजा का सामान है तो वो थोड़ा लगने लगता कहीं टच ना हो कुछ साफ रिफाइंड ऑयल साफ कढ़ाई पहले पूजा कहीं सब कर लें अब ऑफ करते हैं फ्रेंड गैस तो फ्रेंड मशीन से ही बनाए अगर थोड़ा बहुत अब जैसे आपको प्रैक्टिस हो तुम तो वैसे मशीन से ही लेकिन इतने जरा से कहां फिर अब ये रिफाइंड ऑयल अलग कोई डिब्बे में फिर अगली पूजा का कोई चीज बनाए तो यही डाल लिया अब फिर बाकी यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई चीज और न ऐसी प्याज व्याज वाली न सेंकी हो गया फ्रेंड पूजा के लिए थी इसलिए हमने इसमें लहसुन और लौंग वैसे हो तो लौंग मिला दो लहसुन वगैरह को चल के बारीक तो ये सिर्फ सिंपल ही थे बस नमक है और अजवाइन और हींग तो ये देखिए सिक गए हैं अच्छे से सिक गए हैं कोई चीज अगर क्रंची हो जाए ना सेकने में ये देखिए आवाज आ रही है तो ये वो थे मीठे वाले बनाए थे जो तो यही पूजा का था हम जब सारी रेसिपी शेयर करते आप लोगों के साथ चलो पूजा का भी ना बना रहे तो ये भी सभी लोग बनाते होंगे और ज्यादा पकवान सबके यहाँ तो फ्रेंड मठरी और लड्डू भी पांच छह प्रकार के रवा के अलग आटा के अलग तो ये मीठे वाले हैं ये मीठे वाले हैं अभी रख देंगे ऐसे ढक के पूजा का सब कल फिर पूजा होगी नमकीन वाले हैं बेसन और आटा के जो मिक्स बनते इसमें भी अजवाइन और मोइन डाला था और बाकी वो लड्डू तो बनाए थे अपन लोगों ने और चिक्की वगैरह वो सब हो गया पूजा का फिर जितना टाइम हो तो उसी हिसाब से अपने बनाते रहे ये पूजा का प्रसाद बन गया ढक के इसको रख देंगे और बाकी अपना किचन का कुछ भी काम होता रहे फिर दिन भर नमस्कार फ्रेंड जो भी फ्रेंड आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे जो भी फ्रेंड रेसिपी अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करिए सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड थैंक यू सो मच चैनल के साथ अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए नमस्कार थैंक यू नमस्कार फ्रेंड्स थैंक यू सो मच